सो वो जो फॉर्मुलेशन आपने यूज की है वो मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जनरेटेड में लार्ज कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को आप बड़े आराम से डील कर सकते हैं। सो एडवांटेजेस क्या हैं अगर आप सेपरेट शीट को यूज करते हैं, तो ऐसे कौन से बेसिक एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलते हैं? सबसे पहला फीचर, दे आर फ्री, टोटली फ्री अवेलेबल होते हैं। आप गूगल पे सर्च करें, आपको 3600 किस्म के सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कभी जिंदगी पैसे नहीं मांगेगा आपसे। वो कहेंगे जनाब बस यूज करें हमारी सर्विसेज को। ऑनलाइन फीचर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी सर्विसेज फ्री मिल जाती हैं आपको। सो दे रिक्वायर मिनिमल ट्रेनिंग, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप थोड़ी सी ट्रेनिंग को 15-20 दिन की अगर आप रेगुलरिटी के साथ ट्रेनिंग लेते हैं तो आप उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और फिर अगली चीज़ें आपके ऊपर होती हैं, आप एक्सप्लोर करते जाते हैं चीज़ों को और चीज़ें गेन करते जाते हैं। कभी भी एकदम से सारी चीज़ें आपको नहीं मिल जाती, प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सिनेरियोज को डील करना सीखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनके अंदर एक्सपर्ट होते जाते हैं। सो इजी टू स्केल फॉर ग्रोइंग कंपनीज, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सेपरेट शीट का। सो ग्राफिकल डिस्प्लेज ऑफ डाटा, कि मेरे रिजल्ट्स को ग्राफिकली इलुस्ट्रेट करना, डिफाइन करना, उसको एक्सप्रेस करना, मैनुअल बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इधर वन क्लिक के ऊपर आप उसके चार्ट डिजाइन कर लेते हैं, और चार्ट की जिस तरह की रिक्वायरमेंट सेट करनी है आप कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमएस एक्सेल। सो हम यहां पे एमएस एक्सेल की बात करने लगे हैं। कबल इससे कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बताता चलूं कि एमएस एक्सेल भी एक सेपरेट शीट है जो जो कि पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट है, और इसके इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमने डिटेल्स से इसके मुतालिक इंट्रोडक्टरी डिटेल्स जो है वो वहां प्रोवाइड कर दी थी मैंने। सो माइक्रोसॉफ्ट ने एक हमें फीचर दिया हुआ है जिसका नाम है एक्सेल, और ये 100% सेपरेट शीट को सपोर्ट करता है, बल्कि उससे ज़्यादा ही करता होगा। बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर हैं जो कि सेपरेट शीट में अवेलेबल नहीं होने चाहिए, लेकिन हैं, सर्विसेज हैं, और पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, एशियाई ममालिक के अंदर मेजॉरिटी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शायद यूरोप कंट्रीज के अंदर इसके अल्टरनेटिव्स को अवेलेबल हो, बट आई थिंक सो दैट कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत पॉपुलर है। उसकी बेसिक रीजन क्या है कि यूजर फ्रेंडली होती हैं। सो देर आर नंबर्स ऑफ सेपरेट शीट प्रोग्राम्स, बट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, इन सब के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो एमएस एक्सेल है। इसको एमएस क्यों कहते हैं? चूंकि माइक्रोसॉफ्ट की पावर्ड बाय है तो इसलिए इसके साथ एमएस का वर्ड लगा देते हैं। इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड सेपरेट शीट प्रोसेसर है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। सो पीपल हैव बीन यूजिंग इट फॉर लास्ट 30 ईयर्स, गुज़िश्ता 30 सालों से सर्विसेज मिल रही हैं, लोग यूज कर रहे हैं, एंड थ्रू आउट दीज ईयर्स इट हैज बीन अपग्रेडेड विद मोर एंड मोर फंक्शनैलिटीज फीचर्स। कि फिर ऐसा नहीं है कि 30 सालों से एक ही तरीकाकार चल रहा है, एडवांसमेंट आती जा रही है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको गाइड किया था, कहाँ से वर्जन स्टार्ट हुआ? 1993 से, शायद उससे भी पहले था, 80s के ज़माने में शुरू हुआ। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट होती गई, नए नए फीचर्स, नई नई सर्विसेज उसके अंदर ऐड अप होती गई, और आज के दौर में आपके पास जो ऑफिस लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हैं और वो उनके मुकाबले में अगर देखा जाए पुराने ऑफिसेस को, तो आप कहेंगे जनाब वो पुराने वाले तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ बच्चों वाले हैं। डेफिनेटली फीचर्स इम्प्रूव से इम्प्रूव होते जा रहे हैं, इसलिए इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजूहत में से एक वजह यह भी है। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेपरेट शीट एप्लीकेशन एंड हैज बिकम फॉर मैनी द डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर टू हैंडल डाटा, नंबर्स एंड ग्राफ्स। 99% कंपनीज के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट डाटा को हैंडलिंग की एक्सेल होती है। अब ये एक रिसर्च है, गलत भी हो सकती है। नॉर्मली कंपनी सॉफ्टवेयर भी यूज करती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के पीछे भी बैकएंड पे सारा एक्सेल वर्किंग हो रही होती है। अब आप कहें जी वो डेटाबेस होती है, तो डेटाबेस में तो एक्चुअली एक्सेल का व्यू है ना, सो वर्किंग तो बैकएंड पे टैबुलर फॉर्म में ही हो रही है ना, तो टैबुलर फॉर्म एक्चुअली एक सेपरेट शीट है। सो दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द डेटाबेस एंड द सेपरेट शीट, कि उसके अंदर जरा कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड फीचर्स मिल जाती हैं, ऑटो एक्सेस की फीचर्स मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको उन ऑटो फीचर्स को डील करने के लिए कमांड और ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट एक्सेल इज इट कैन अप्लाई टू मैनी बिजनेस टास्क।
इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, डेटा मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग में 90% रोल, 99% रोल ही आपके एक्सेल का होता है. एनालिसिस के अंदर, इन्वेंट्री जनरेशन के अंदर, बिलिंग के अंदर और बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर. ये चंद एक का जिक्र मैंने यहाँ पे किया है. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके लिए हम यूज करते हैं एक्सेल को. सो गेटिंग स्टार्टेड विद एमएस एक्सेल. सो एक्सेल से स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल.